मानवता और दुनिया की भलाई के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिद्भावनंद की ई भगवत गीता का किया लोकार्पण। युवाओं से गीता का अध्ययन करने का किया आह्वान। गुजरात के साबरमती में कल से शुरू होगा आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर दांडी तक की पदयात्रा को करेंगे रवाना। 15 अगस्त 2022 से पहले 75 हफ्तों तक देश भर में होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नई शिक्षा नीति से भारतीय संस्कृति को समझने में मिलेगी मदद। अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। कहा, अनुसंधान कौशल और विशेषज्ञता पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना उद्देश्य। देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,00,000 सक्रिय मामले। राज्य सरकार ने नागपुर में 15 मार्च से 7 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने का दिया निर्देश। और नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने पर पश्चिम बंगाल में तेज हुई सियासी खींचतान। तृणमूल कांग्रेस ने घटनाक्रम के लिए निर्वाचन आयोग को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने आयोग से की घटना से जुड़ा वीडियो जारी करने और सीबीआई जांच की मांग।